जल्दी जल्दी फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। कहता है कंसिडर ए कंपाउंड स्लैब, स्लैब ठीक है, स्लैब ऐसा होता है ठीक है। देखिए वो डिफरेंट मटेरियल हैविंग थर्मल कंडक्टिविटी के एंड टू के, फाइंड द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्लैब। पहले हम स्लैब बना लेते हैं, ये हमारा रहा स्लैब ठीक है, 3D भी बना दो। चलो यार तुम भी क्या याद रखोगे, तो ये रहा मेरा स्लैब ठीक है। तो ये जो स्लैब है ऐसा कुछ स्लैब, ये कहता दो अलग अलग मटेरियल से बना हुआ, जो इधर वाला है जो ये मैं हरा कर देता हूँ, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के है, इधर वाला जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी 2 के है। यहाँ पर ये दोनों अलग हो गए, सेपरेट हो गए हैं ठीक है, इस प्लेन से सेपरेट हो गए, क्लियर है। इस पूरे की लेंथ मैं 2L मान लूँ कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, क्योंकि एक कंपाउंड स्लैब कंसिस्टिंग ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल हैविंग इक्वल थिकनेस एंड थर्मल क्लिनिकी एंड टू के रिस्पेक्टिवली द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्लैब। तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द स्लैब जो है इसकी हमें निकालना, के इक्विवेलेंट निकालना, इस पूरे की के इक्विवेलेंट कितना होगा। चलो तो इस पूरे की के इक्विवेलेंट कितना होगा, मान लेता हूं मैं ये बीच से ही, ये दोनों इधर इधर मिड पॉइंट से ये अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं। चलो तो अब ये जो क्वेश्चन है आप पढ़ के आए होंगे ठीक है, कि जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है वो इधर बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट होता है जैसे हीट करंट, थर्मल रेजिस्टेंस, ये सारे वो जो इलेक्ट्रिकल करंट है, ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, करंट लॉ, वोल्टेज लॉ, उसके सिमिलर इधर कॉन्सेप्ट लगते हैं ठीक है। जैसे उधर रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल में सीरीज में था वैसे इधर सीरीज में रहता है ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रिकल में अगर सीरीज में रहता है तो इसका रेजिस्टेंस R1 है तो R2 है, तो R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 के इक्वल होता है इलेक्ट्रिकल में, वैसे थर्मल में भी होता है क्योंकि ये ओम्स लॉ के इक्विवेलेंट होता है रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट वाला इक्वेशन ठीक है। चलो तो थर्मल रेजिस्टेंस ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए कि थर्मल रेजिस्टेंस इधर कितना होता है, कि अगर कोई कंडक्टर है तो उस कंडक्टर की लेंथ, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गिव द थर्मल रेजिस्टेंस। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट BIP, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इधर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखो, इधर बहुत सारे न्यूमेरिकल में यूज होगा थर्मल रेजिस्टेंस। अब इसको मैं लगाता हूँ मैं एक बार तीन ठीक है, अब एक बार मैं पूरे के लिए लगाऊंगा और एक बार इसके लिए लगाऊंगा, एक बार इसके लिए लगाऊंगा। चलो तो मैं अगर पूरे के लिए लगाता हूँ तो पूरे की लेंथ 2L और पूरे की थर्मल कंडक्टिविटी K- और पूरे की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, जो ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इस वाले पार्ट के लिए लगाओ तो इसकी लेंथ L हो गई, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। दूसरे वाले लेंगे, इसका लेंथ L है, इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और टू थर्मल कंडक्टिविटी 2 के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यही है। तो कुल मिला के इधर सॉल्व कर लो तो K- की जो वैल्यू आ जाएगी, K- की वैल्यू KL खत्म हो गया, और ये आ जाएगा 2 और 3 और ये 4, मतलब ये आ जाएगा, एक बार कर दूं आपके लिए, चलो एक बार यहाँ से आ जाएगा 2 अपॉन K- और ये आ जाएगा 3 अपॉन 2K। तो इसका मतलब ये हुआ कि K- की वैल्यू आ जाएगा दैट इज 4K/3, क्लियर है। तो 4K/3 दैट इज डी ऑप्शन सही है ठीक है।